हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एसएसबी कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2020 के बारे में। देखो भाई, जब से ये एसएसबी कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती आई है, तब से बच्चों के मन में डाउट्स थे कि सर, एसएसबी कॉन्स्टेबल ड्राइवर भर्ती के फिजिकल कब होंगे, ये डाउट तो था। तो अभी फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं ड्राइवर के। तो अब बात आती है, एक मन में डाउट हो गया, ये 2020 की भर्ती है और 2022 अभी चल रहा है। मेरे को नहीं लगता है 2022 में भर्ती कंप्लीट हो जाए। यदि हो भी सकते तो लास्ट में जाते होंगे, लास्ट में जाके आपकी भर्ती कंप्लीट होगी, मतलब 2022 का एंड। तो यहाँ पर क्या 2-3 साल में आपकी वैकेंसी खाली नहीं हुई क्या? तो इस बारे में बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर, क्या पोस्ट बढ़ सकते हैं? बिल्कुल आपका जायज सा सवाल है, क्या पोस्ट बढ़ सकती है क्या, ये बात मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। दूसरा बात, यहाँ पर बात करेंगे कंपटीशन कितना रहेगा, ये भी बात करेंगे। कितने पोस्ट बढ़ने के चांस है, ये भी बात करेंगे। और कब बढ़ेगी पोस्ट है, ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, जो बच्चे एसएससी कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए गोल्डन चांसेस है। ऐसी भर्तियां नहीं आती बार बार, और भर्तियां आ जाती है तो इतना टाइम नहीं लगाता। क्योंकि भाई आपको पता है, एसएसबी कॉन्स्टेबल ट्राइड्समैन भर्ती 2020 के अंदर, अगस्त के अंदर भर्ती निकली थी। अभी आपका 2020 अगस्त, 2021 अगस्त, 2022 अगस्त, आपका 2000, मतलब यहाँ पर मानो तो 2020 से 21, 21 से 22, 2 साल तो ये, मतलब ये मानो कि 2 साल इसको लगभग लगभग पूरी होने हो जाएंगे। तो 2 साल इसको पूरे हो जाएंगे, तो आप ये सोचो एक बार, आप ये सोचो अपने दिमाग के अंदर, क्या 2 साल में अदरवाइज कोई वैकेंसी नहीं है? तो मैं बता दूं आपको, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में जिन बच्चों ने फॉर्म भरे थे, उनके लिए कौन कौन सी वैकेंसी है। एसएससी जीडी, आपका ये एसएससी की और बहुत वैकेंसी है। इसके अंदर बता दूं आपको, सीजीएल हो सकता है, सीएचएसएल, और बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है एसएससी में। दिल्ली पुलिस निकल चुकी है, दिल्ली पुलिस निकल चुकी है, जो कि एक अच्छी पोस्ट, आपकी पोस्ट निकली थी। आपका यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ पर निकली थी आपकी ये कौन सी वैकेंसी, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी निकल, मतलब इन बच्चों में आपको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। बच्चों को ये सारे के सारे कैंडिडेट इसमें थे, मतलब जो पढ़ने वाले थे, जो बच्चे अच्छे थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे, वो तो यहाँ से निकल चुके हैं। अब बच्चे कौन है? बच्चे भाई वो बच्चे हैं जो आपके बहुत, या तो पढ़ने में थोड़े डाउन हो, या आपका कम पढ़ते हो, या वो पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता हो, इसी कारण से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कम पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले भी कंपटीशन कितना रहेगा, इस पर थोड़ा सवाल बताऊंगा मैं आपको, एक चीज बताऊंगा। देखो आपको पता होना चाहिए, मैंने ये चीज बताई, कंपटीशन में कम होने का कारण यही पोस्ट है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी बच्चा कौन करता है, जो एसएससी जीडी में जाना चाहता है, जो आपका डिफेंस की भर्ती में तैयारी करना चाहता है, वही बच्चा एसएससी, आपका एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म भरा था, वही बच्चे तैयारी करते। तो आपको पता होना चाहिए भाई, 500 बच्चों में से 150 बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, और 150 में से पास हो रहे हैं 75 100, 100 बच्चे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मैं एवरेज निकालू तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 25% बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, यानी पास हो रहे हैं, 25% बच्चे यहाँ पर पास हो रहे हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, 25% बच्चे पास हो रहे हैं। तो आप बताओ मेरे को, एक तो मान लो आपके 100 कैंडिडेट है, और एक यहाँ पर 25 कैंडिडेट, मतलब एक तो पोस्ट पर 4 पोस्ट, एक एक यानी कि 4 कैंडिडेट, यहाँ पर 3 कैंडिडेट तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आ ही नहीं रहे। कंपटीशन कितना कम हो गया, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कंपटीशन यहाँ पर दर्ज 0 है, बिल्कुल 0 है। अभी अभी इस भर्ती में यदि सिलेक्शन नहीं हुआ ना भाई, मैं बता स्पेशल बोलना चाहता हूँ, जी जान लगा दो, नहीं हुआ तो भाई आप फिर ना, कोई क्या बोलते यार, क्या बोलूँ मैं आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर भी बताना चाहता हूँ आपको, नहीं हुआ ना तो आपको फिर से तैयारी में करनी तो पड़ेगी। तो इससे तरह अभी भी तैयारी कर ले और जमकर तैयारी कर ले, इस भर्ती में सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि भाई आपको बताया तो कंपटीशन कम है, दूसरी बात है हमने जो चीज पढ़ी है वही चीज इस भर्ती में आने वाली आ गई। तो आपको बता दूं, यदि आप इस भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो बता दूं आपके लिए बेस्ट बुक वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा, बेस्ट स्टडी प्लान वो लेकर आ जाऊंगा, बेस्ट तरीका कैसे इस भर्ती को निकालेगा सब कुछ आपके लिए वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप तो ऑल इंडिया जॉबनी 0.2 यूट्यूब परिवार से आप जुड़े रहिए, आपका भाई आपके सारे सॉल्यूशन कर देगा। भाई बात करते हैं यहाँ पर, सर पोस्ट बढ़ सकते हैं, बिल्कुल जायज सी बात है भाई, यहाँ पर चांस रहते हैं भाई, अभी भी बोल रहा हूँ 99% आपका चांस है यहाँ पर पोस्ट बढ़ने का। क्यों पोस्ट चांस बढ़ने का पोस्ट है?
बताया भाई, अभी 2 साल निकल चुके हैं पोस्ट तो, आपकी बात है जाहिर सी बात है खाली तो ये आता है नहीं। रिटायर तो बनी, रिटायर तो बंदे नहीं, रिटायर्ड बंदे नहीं, यहाँ प्रमोशन होंगे, जेडी में चले होंगे, तो यहाँ पर पोस्ट बढ़ने का चांसेस है। देखो कितने पोस्ट बढ़ने का चांसेस है, तो मैं बता दूं यहाँ पर 500+ यहाँ पर पोस्ट बढ़ सकती है, 500+ यहाँ पर 2000+ ये भर्ती हो सकती है, जो कि ट्रेड्समैन की एक अच्छी खासी वैकेंसी होती है। 2000+ बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी होती है, 2000+ यदि ये भर्ती बढ़ जाती है। कब बढ़ेगी पोस्ट? देखो पोस्ट बढ़ने का पता आपको तब चलेगा, यहाँ पर देखो फिजिकल देने का सबको मौका दिया जा रहा है, जो बच्चा फिजिकल देगा उसको रिटर्न देने का भी मौका सबको पता चल रहा है, सबको यहाँ पर रिटर्न देने का। अब जब रिटर्न में पास होंगे 10 गुना या 15 गुना जो भी उनका क्राइटेरिया रखा गया है, वो यदि पास होंगे तब हमें पता चलेगा भाई पोस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। आपको बता दो जब पास होंगे ना, उससे पहले आपका एक नोटिस आ जाएगा SSP की वेबसाइट पे कि भाई आपकी इतनी पोस्ट इस ट्रेड में बढ़ चुकी है और इतने बंदे हम पास कर रहे हैं, यह आपके लिए गोल्डन चांसेज है। तो आपकी पोस्ट यहाँ पर बढ़ती है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो बता दो आपको 99% तक चांस यहाँ पर पोस्ट बढ़ने के, क्योंकि आपकी भर्ती को बहुत टाइम हो चुका है और वैकेंसी जाहिर सी बात है SSB होते CRB होते शहर सब सब में खाली होती रहती है। ये नहीं है कि परमानेंट जो रह गया वो बंदा वहीं रहता, नहीं, रिटायर्ड भी होता है, वो GD में जाने की कोशिश भी करता है, GD में जाने के अलावा वो बंदा अपना प्रमोशन पाने की कोशिश भी करता है, सब कुछ कोशिश सभी करते हैं भाई। तो यहाँ पर मैं चांस करता हूँ 500+ पोस्ट यहाँ पर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, SSB कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर बढ़ने के। और जब भी जो भी कोई इसकी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपका भाई ऑल इंडिया जॉब में 0.2 यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके लिए इन्फॉर्मेशन डालता रहेगा। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका भाई आपके साथ हमेशा और हमेशा बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।